हेलो, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था पिछली वीडियो में, लगभग वैसा ही हुआ जो मैंने स्टोरी बताई थी, प्रेडिक्शंस बताई थी कि कैसे न्याय दिला सकता है रामा। कुछ कुछ वैसा ही हुआ और आप लोग भी समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें हौसला मिलता है और अधिक अच्छा करने का। तो दोस्तों, कल के एपिसोड में होगा ये कि जो रावण ने भोज दिया है, सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे, लेकिन वो भोज कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल उसमें शुरू में रामा सबको एक काढ़ा पिलाएगा, जिससे सबको भूख लगेगी। भूख जब सबकी जागृत हो जाएगी और जब वो बेहद भूखे हो जाएंगे, खाना खाने के लिए ललायत होंगे, तब उनके सामने खाना सिर्फ रखा जाएगा या दूर से दिखाया जाएगा। तो सभी लोग पूछेंगे, उनकी भूख भी जागी हुई होगी, कि ये क्या है, वहाँ से खाना परोसा क्यों नहीं जा रहा, दूर क्यों रखा हुआ है। तब रामा कहेगा कि खा लीजिए, वहीं से पेट भर जाएगा। आप सोचिए कि आपने खाना खा लिया है, आप सोचिए कि आपने खाना खा लिया और आपकी भूख मर जाएगी। लेकिन इस बात को सुनने के बाद सभी लोग गुस्सा करेंगे कि रामा ये क्या कर रहे हो। फिर रामा सबको समझाएगा और महाराज को भी समझाएगा कि जब इतनी दूर रखे भोजन से आपका पेट नहीं भरा, तो मंदिर में रखे दिए से उस बेचारे बूढ़े आदमी को गर्मी कैसे मिल गई। और यही तर्क देकर वो समझाएगा कि उसने जो किया सही किया, उसे कोई गर्मी नहीं मिली, सिर्फ उसने एक वैसा सहारा लिया। अगर आपकी भूख नहीं मरी उस भोजन से, तो उसे भी गर्मी भी नहीं मिली। और इसी बात पर महाराज काफ़ी खुश होंगे और उस बूढ़े व्यक्ति को इनाम देंगे, 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएँ। तो ये कुछ होने वाला है आगे के एपिसोड में, और मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, मैं 100% बता रहा हूँ कि यही कुछ होगा। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।